नहीं तो फिर एनएसए लाद देगा, सब क्या करेंगे हम? डीएनए पे भी सवाल, नहीं नहीं तो सब पे एनएसए लगाना पड़ेगा। उसके पास है जो तेलंगाना का अभी नया मुख्यमंत्री बना है, तो बोला था कि तेलंगाना डीएनए इज बेटर देन बिहार डीएनए, को इस मिट्टी को चूमो और यहाँ पे इस समस्या को दिखाओ। ये एयर कंडीशन कमरा में एसी में बैठ के जो समस्या दिखाते हो वो समस्या नहीं है, ये समस्या है कि ये बांध जो है वो सही बना है कि नहीं बना। 25 मीटर की दूरी पे ये घर है, दिखाइए 25 मीटर की दूरी पे ये घर है और यहाँ से 25 मीटर की दूरी पे ये गंडक नदी है, आप देख सकते हैं ये बांध है, मैं बांध पे खड़ा हूँ और ये जो नदी है ना सामने ये पेड़ के बगल में जो है मेरा गांव है, बगल में गांव, मतलब कि इस छत से मेरा घर दिखता था कुछ दिन पहले, मतलब कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तब, ठीक है, यहाँ से इस छत से मतलब कि मेरा ममहर और मेरे घर के बीच में सिर्फ 1 किलोमीटर का दूरी है और दोनों पंचायत अलग अलग है। मैं इस जगह पे पैदा हुआ हूँ, यहाँ पे जो लोग है ना वो जब बच्चा पैदा करते थे ना तो खटिया पे लाद के जो है सरिसवा बाजार तक बाढ़ के समय में जाते थे, क्या चीज पे लाद के? खटिया पे लाद के अरे उधर, और उसमें ना जाने कितने बच्चे दम तोड़ देते थे। अब हम लोग जो है यहाँ पे कुछ करेंगे, साथ दीजिएगा लोग, तो 5 साल के अंदर अंदर पूरे बिहार का सबसे भव्य, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर का अस्पताल बनवाएंगे, जिसमें कैंसर के साथ साथ तमाम तरीके के बीमारी का इलाज होगा और रिसर्च भी होगा। साथ नहीं दीजिएगा लोग तो अकेले मनीष कश्यप कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ये चीज है। तो अगर साथ दीजिएगा लोग तो करेंगे, बदलेंगे और दिखाएंगे। हॉस्पिटल बनाना तो सरकार की काम है, आखिर क्या? नहीं, किसी भी समाज में बदलाव का काम समाज में रहने वाले जिंदा लोगों का काम है। किसका है? जिंदा लोगों का। समाज में जो जिंदा लोग हैं वही बदलाव कर सकते हैं, वही अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जिंदा हैं तो साथ दीजिए और कैंसर अस्पताल पूरा तरीके से मुफ्त होगा, पूरा, और सिर्फ कैंसर का ही इलाज नहीं, हर चीज का इलाज होगा। 5 साल के अंदर अंदर यहाँ पे कैंसर अस्पताल चालू हो जाएगा, 5 साल के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने साथ दिया तो यहाँ पे हम लोग साथ हैं। और यहाँ पे इसलिए बनवाना जरूरी है ना कि ये बिहार का सबसे पिछड़ा गांव है डुमरी, 1 नंबर पे मेरा ममहर है सबसे पिछड़ा में, 2 नंबर पे मेरा गांव है सबसे पिछड़ा में, मेरे गांव से भी ज्यादा पिछड़ा है ये गांव। यहाँ पे आने के लिए रास्ता आप लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं, जाइए लोग ना कोहड़ा पे, ऐसा जगह है जहाँ पे जो है 400-500 लोगों का बस्ती है, जाने का रास्ता तक नहीं है, कोहड़ा पे जाने का रास्ता तक नहीं है। बताइए सरकार क्या कर रहा है, सरकार का काम ये होता है कि नहीं होता है? जाइए वहां पे, और वहां पे अगर बारिश के दिन में जो है कोई माँ बच्चे को जन्म देती होगी तो जाके सोचिए, एहसास कीजिए, यहीं से सिर्फ 2 किलो इसी गांव का पार्ट है वो, चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है, रास्ता तक नहीं पहुंचा है, जाके देखिए, दिखाइए उस चीज को, ये चीज है। और उसके लिए सांसद विधायक दोषी नहीं है, उसके लिए सरकार का दृढ़ इच्छा शक्ति दोषी है। अगर सरकार का दृढ़ इच्छा शक्ति अगर सही रहे, उसके अलावा समाज का भी दृढ़ इच्छा शक्ति दोषी है। अगर हम लोगों का दृढ़ इच्छा शक्ति सही रहे तो ना जाने, मैं इस जगह पे पैदा हुआ हूँ, देखो मेरा, देखो मतलब कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, हम लोग एकदम सिंपल साधारण परिवार में पैदा हुए हैं एकदम। आप देखिए मेरा ममहर है यहाँ पे, मेरा घर है यहाँ पे, ना मामा वाले का घर अमीर है ना मेरा घर अमीर है, देख लीजिए यहाँ पे पैदा होकर संघर्ष करके मैं आगे बढ़ा। आज जो है कम से कम पिपली लाइव तो हो गया है ना, जो स्टूडियो में बैठ के बड़े बड़े मीडिया चैनल थे जो कभी यहाँ पे आए नहीं थे, मुझे आज भी वो 4 साल पहले का बात सीओ साहब का, अंचलाधिकारी महोदय का, मझवलिया जो ब्लॉक में हमारा गांव पड़ता है, मेरा ममर पड़ता है, वहाँ के अंचलाधिकारी 4 साल पहले कहे थे जब हम उनसे बोले थे कि मेरा गाँव डूब गया है, राहत शिविर पहुंचाइए, तो बोले क्या कि हम आपके गांव में कैसे राहत शिविर पहुंचाएंगे महाराज, जाने का रास्ता तक नहीं है। अब सोचिए 4 साल पहले वो YouTube पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देखिएगा। हम बोले कि सर 2 दिन से बाढ़ आया है,
और सरकार का नियम है कि 24 घंटा अगर कोई गांव या शहर या कुछ भी अगर पूरे तरीके से कट जाता है और चारों तरफ से पानी घिर जाता है तो हेलीकॉप्टर से राहत शिविर पहुंचाया जाता है। पहुंचाया जाता है कि नहीं? हेलीकॉप्टर कभी यहां पे राहत शिविर के लिए नहीं आया, कभी नहीं आया। हाँ, नेताजी गड़गड़ चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर लेके जरूर आते हैं। अरे हम पहले लोगों को बचाएंगे कि पहले प्रचार करेंगे? पहले लोगों को बचाइए ना। और इस जगह से दिखाना जरूरी है क्योंकि ये पूरे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा बाढ़ यहीं पे आता है, इसी जगह पे आता है। नाप लीजिएगा लोग, आप लोग इंची टेप ला के, सबसे ज्यादा क्योंकि वाल्मीकि नगर से जितना भी नदी का पानी छूटता है सबसे ज्यादा डाउन ये एरिया है, यहीं पे आके अड़ जाता है, रुक जाता है, यहीं पे आके रुक जाता है। ये महानवा डुमरिया गांव में आके पूरा पानी रुक जाता है, यहाँ का फसल पूरा बर्बाद हो जाता है। उस जगह पे हम लोग हैं, ये चीज है। अब सोचिए तो दिखाइए इस सब चीजों को, बनाइए वीडियो। अगर मेरे गांव में भी कमी है तो दिखाइए, डरिए लोग मत कि मनीष भैया वो नाराज हो जाएगा, नहीं नाराज होंगे। अस्पताल, स्कूल, अगर कोई गलत हो रहा है दिखाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सड़क पीसीसी बन गया है, चारों तरफ से मिट्टी गिर गया है, गाड़ी कभी भी पलट जाएगा। जो दिखाना है दिखाइए, दिखाइए, हम कभी किसी को नहीं रोकेंगे। आपको आज भी याद है 4 साल पहले उसी समय जब बाढ़ आया था, मेरे गांव का रास्ता कट गया था, तो एक ठेकेदार जी जो है ना, रास्ता जैसे कटा तैसे रावी सोविस भेज दिए थे। आ किसी से कहे थे कि मनीषवा के चक्कर में 18 लाख रुपया का नुकसान हुआ, तो आदमिया पूछा का है, तो बोले कि देखिए ना, अभी बाढ़ का पानी रोड पे चढ़ा नहीं, रोड काटा नहीं, तब तक हमको मटेरियल भेजना पड़ा, उसको सही करना पड़ा। तो पूछे कि का है, तो बाद में कर देते। बढ़वा तो हम लोगों के यहाँ अप्रैल मई से शुरू होता है, जून से कभी कभी शुरू होता है और सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर तक चलता है। उसके बाद से जो है रोड का ट्रैक्टर लेके राविस गिराते थे, सही है कि नहीं? और पानी चढ़ा नहीं, रोड थोड़ा सा कटा नहीं, उनको भेजना पड़ा, 18 लाख रुपया का नुकसान हो गया। तो का है, तो डीएम साहब कहे थे कि मनीषवा का गौवा का रोडवा ठीक कर दीजिएगा, नहीं तो वीडियो बना के लगेगा बकबकाने। कुछ 4 साल पहले का घटना है, वो जो टेढ़गा जिलेबिया मुड़वा के पहले मुड़वा नहीं है, जहाँ पुलवा हमेशा टूट जाला बसवरिया के आगे, वहां में टूट गए रहे। तो गांव के मुखिया जी सब अपना सब कुछ ले लाके एकदम टक 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 जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, तो रोड पे पानी था, रोड बन रहा था। तो इसको बोलते हैं ताकत जी, बिल्कुल। वो ताकत आप लोग अपने अपने गांव में दिखाइए, दिखाइए। हाँ, कुछ लोग बोलेगा कि आप लोगों को बोलने नहीं आता है, तो आप लोग उन मीडिया वाले, जो भी मीडिया वाले बोले कि डिजिटल मीडिया वाले को बोलने नहीं आता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि कम से कम आपका चैनल कैंसर का प्रचार करता है, हम तो कैंसर का प्रचार नहीं ना करते हैं, बोल दीजिएगा। उनके पास बुद्धि विवेक सब है, तब वो कैंसर का प्रचार कर देते हैं। कैंसर जैसा, कैंसर का बढ़ावा देने वाला जो भी चीज आता है उसका प्रचार आता है बड़े बड़े चैनलों पे, हम लोग तो नहीं ना करते हैं। हम लोग तो हम लोगों को सिर्फ बोलने ही नहीं आता है ना, लेकिन समाज के लोगों का दुख और दर्द समझने तो आता है, आता है कि नहीं आता है? तो जिस दिन वो लोग कैंसर का प्रचार करना बंद कर देंगे अपने अपने चैनलों पे, उस दिन हम लोगों को भी बोलने आ जाएगा। क्या बात, बस बोल दीजिएगा, क्या बात, ये चीज है। अच्छा, आप अपने नानी घर आए हुए हैं, नानी से मिले, नानी आपके कैंसर से पीड़ित है, आप जेल के अंदर थे, कहीं ना कहीं नानी से भी बात हुई थी, मीडिया वाले बात किए थे, तो भी एक ही कहती थी कि मेरा बाबू जो है निर्दोष है। तो आज नानी से मिले तो क्या समय था, थोड़ा सा बता दीजिए। आप लोगों को खुद पता है कि मेरे ऊपर क्यों लादा गया था एनएसए। अभी बोला है ना तमिलनाडु का एगो नेता, यूपी बिहार के लोग जो है आते हैं यहाँ पे टॉयलेट, जैसा कि मीडिया दिखाया, हम इस खबर का पुष्टि नहीं करते हैं भाई, वो बोला था तो हम सुने नहीं थे, नहीं तो फिर एनएसए लाद देगा, सब क्या करेंगे हम? डीएनए पे भी सवाल, नहीं नहीं तो ठीक है, सब पे बस नहीं, सब पे एनएसए लगाना पड़ेगा। उसके पास है, उसके पास है, ये जो तेलंगाना का भी नया मुख्यमंत्री बना है तो बोला था कि तेलंगाना डीएनए इज बेटर देन बिहार डीएनए। हाँ, बोला था, बोला था ना। हाँ। अंग्रेजी में बोला था कि हिंदी में बोला था? अंग्रेजी, हमको अंग्रेजी आ गया, हम गए ना वहाँ जलवा में, तो अंग्रेजी बोलते बोलते जो है अंग्रेजी ठीक हो गया मेरा, गड़बड़ा गया। इंजीनियरिंग के बाद बोलना भूल गए थे, फिर अंग्रेजी भी आ गया, तो बोला था अब नाखून का सैंपल नहीं भेजेंगे उसके पास, वो तो पूरे बिहारी को गाली दे दिया। मोदी जी तो सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी को बोले थे कि आपका डीएनए क्या न है क्या न है, तब आप पार्टी बदल देते हैं, ये कर देते हैं, तो पूरा बिहार से 1.5 करोड़ की 2 करोड़ सैंपल गया था नाखून काट के बाल काट के। अब भेजिए ना 12 करोड़ सैंपल भेजिए उसको, कि बोलिए कि बिहार एंड तेलंगाना बोथ डीएनए इज बेटर देन अदर डीएनए, बोल दीजिए। हम किसी का बुराई नहीं करेंगे, हम दोनों डीएनए को अच्छा बताएंगे, हम पूरे भारत के डीएनए को अच्छा बताएंगे, हम किसी का बुराई नहीं करेंगे।
लेकिन उसको बताइए तो सही कि आपका डीएनए भी अच्छा है और हमारा डीएनए भी अच्छा है। हाई हिम्मत किसी को बोलने का नहीं बोलेंगे, मुंह पे तो टिप। अच्छा, बहुत सारे लोग जब आप जेल में थे तो ये कह रहे थे कि पत्रकार ऐसा रहे, सरकार से क्यों पंगा ले रहा है, सरकार से पंगा लेगा तो यही होगा ना। अरे आप लोगों ने सुना होगा ना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का नाम, सर पत्रकार न थे, राष्ट्र धर्म और पंच जन्म में पत्रकारिता करते थे। उन्होंने लिखा है अपने किताब में कि सरकार के तर्कस में इतना तीर होता है कि जब चाहे वो पत्रकार और पत्रकारिता का गला घोट सकता है। वो किताब मेरे पास है, ये स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट है, जो 3 बार प्रधानमंत्री रहे, 3 बार उनका स्टेटमेंट है। तो उनका जब गला घोटा सरकार तो खुद प्रधानमंत्री बन गए। क्या बात है, बन गए कि नहीं बन गए कि ससुर तुम हमारा गला घोटोगे, पत्रकार का गला घोटोगे, हम दिखा देंगे तुमको। जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि अटल जी बहुत संसद भवन में सवाल उठाते, एक बार प्रधानमंत्री बन के दिखाइए। तो अटल जी बोले हम 3 बार बने, एक बार का मतलब 13 दिन 13 महीना और 4.5 साल 3 बार बन गए। सरकार ने मेरा भी गला घोटने का प्रयास किया, दिखाएंगे सरकार को कि कैसे चलाया जाता है सिस्टम को, सरकार को कैसे चलाया जाता है। आपका जो कह रहे हैं चलाने वाली बात फिर से कहीं ना कहीं उधर मिर्च। अरे पत्रकारिता से चलाएंगे महाराज, इस पत्रकारिता के ताकत को दिखाएंगे, इस माइक के ताकत को दिखाएंगे, और जहां भी गलत हो उस इस माइक के ताकत से, इस पत्रकारिता के ताकत से उस गलती को दिखाएंगे, सरकार को झक मार के वो गलती सुधारना। अच्छा एक सवाल है आपसे, कभी भी नहीं देखा गया था एक पत्रकार के लिए जब गाँव आता है, 9 महीने जेल होके जब जेल में रह के गांव आता है तो लोग दिवाली मना रहे थे, कल हर घर में दिया जल रहा था, तो कभी ऐसा आपने देखा है कि किसी नेता के लिए, किसी पत्रकार के लिए जिसमें एनएसए लग चुका है, राष्ट्रद्रोह का केस लग चुका है, उसके लिए इतना भव्य स्वागत? लग चुका था, है नहीं लग चुका था। हाँ, कोर्ट ने उसको बोला कि नहीं नहीं भाई गलत है, कैंसिल करो एनएसए, कैंसिल कर दी, कैंसिल कर दिया। आप बताइए ना कि लास्ट बार है, आप लोग पढ़े लिखे हैं कि इसमें अनपढ़ भी कुछ लोग हैं, सब लोग पढ़े हुए हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो बताइए बिहार कौन से बिहारी पे लास्ट बार जो है एनएसए लगा था, बताइए मनीष कश्यप। अरे उसके पहले बताइए, जाइए नेता से पूछिएगा, नेता से पूछिएगा कि किस पे एनएसए लगा था, ना बिहार का किस जो बम ब्लास्ट किया सब उस पे एनएसए लगा, ना किसी पे एनएसए नहीं लगा, किसी पे एनएसए जो मजदूर के लिए लड़ा उस पे लग गया। बिहार का सबसे बड़ा अपराधी मनीषवा हो गया, जो अपनी नानी का कैंसर का इलाज कराता था पटना एम्स में, जो ना जाने कितने लोगों का आंसू पोंछता था। 9.5 महीना मैं जेल में रहा ना, कहे नहीं कोई सोनू मोनू टोनू हाईलाइट हुआ बिहार में, हम तो गरीब के बच्चा को पकड़ पकड़ के हाईलाइट करते थे, दिखाओ इसका ई है एक्चुअल समस्या, दिखाते थे। और वहां पे जो है ना दिल्ली से पत्रकार लोगों को दौड़ा के लाते थे कि चलो ई है बिहार का जमीनी हकीकत, और इस चीज को, इस मिट्टी को चूमो और यहाँ पे इस समस्या को दिखाओ, ये एयर कंडीशन कमरा में एसी में बैठ के जो समस्या दिखाते हो वो समस्या नहीं है, ये समस्या है कि ये बांध जो है वो सही बना है कि नहीं बना है, सही बात ये दिखाओ, पीछे हो जाए, ये चीज है। अपने गांव में आए हुए मनीष भाई ऐसा